हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 24 जून 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssegeltnackle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSGeltNackle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका करेक्ट आंसर था कोलंबिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 23 जून। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, DJ पांडियान। डिटेल्स देख लो तो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने पूर्व नौकरशाह डॉक्टर DJ पांडियान को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पिछले महीने NDB ने गिफ्ट सिटी में इंडिया रीजनल ऑफिस स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। NDB ने भारत में लगभग 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पांड्या ने पहले बीजिंग स्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया था, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिमल जालान। डिटेल्स देख लो तो RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई किताब लिखी। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 23 जून। डिटेल्स देख लो तो सार्वजनिक संस्थानों यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स की सराहना करने के उद्देश्य से 23 जून को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक सेवा का योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम COVID-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने अपने नूरी रॉकेट से उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। डिटेल्स देख लो तो दक्षिण कोरिया ने पिछले साल एक असफल प्रयास के बाद अपने घरेलू नूरी रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया। 47 मीटर यानी 154 फीट से अधिक लंबे और 200 टन वजन वाले 3 चरणों वाले रॉकेट को नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह 5 उपग्रहों के साथ पृथ्वी के अवलोकन मिशनों को पूरा करेगा, जैसे कि 2 साल तक वातावरण की निगरानी करेंगे। बात करें यहाँ पर साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। डिटेल्स देख लो तो कर्नाटक के हसन में जनारागुटी में 20वें मुनि सुव्रतनाथ की एक प्रतिमा लगाई गई है। कमला पीठ यानी कमल सीट और आधार पर एक कछुए की एक छवि सहित मूर्ति लगभग 54 फीट लंबी है। प्रतिमा के लिए काला पत्थर, कृष्णा शील, चित्रदुर्ग जिले के हौसदुर्ग तालुक के श्रीरामपुरा से मंगवाया गया था। राजस्थान के जयपुर के जगदीश प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में मूर्तिकारों की टीम ने प्रतिमा पर लगभग 6 महीने तक काम किया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क, बनरघटा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु,
सीएम है बसवराज बोमई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा गोल्ड रिसाइकलर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। डिटेल्स देख लो तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है और देश ने 2021 में 75 टन रिसाइकिल किया, 168 टन के साथ चीन इस सूची में सबसे ऊपर है। 2021 में भारत की सोने की शोधन क्षमता में 1500 टन यानी 500% की वृद्धि हुई। WGC का हेडक्वार्टर है लंदन UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विदेश व्यापार से संबंधित कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, निर्यात। डिटेल्स देख लो, सबसे पहले निर्यात की फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नई परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने एक नया पोर्टल निर्यात लॉन्च किया जिसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा। वाणिज्य भवन का उपयोग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के तहत दो विभागों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, असम। डिटेल्स देख लो तो अंबुबाची मेला 2022 22 जून से 26 जून तक मनाया जाएगा। अंबुबाची मेला जून में असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी कामाख्या को समर्पित है। इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के 7वें दिन से शुरू होकर मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अंबुबाची का अर्थ है पानी से बोली जाने वाली। इसका मतलब है कि इस महीने के दौरान होने वाली बारिश पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। बात करें यहाँ पर असम की तो इसके फोक डांस में आता है बीहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है डिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी, सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश में आयोजित 2021 U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। डिटेल्स देख लो तो भारतीय महिला टीम ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 2021 U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभियान में कुल 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। टीम इंडिया ने कुल 235 अंकों के साथ U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता, जबकि जापान को 143 अंकों के साथ उप विजेता ट्रॉफी से संतोष करना पड़ा और मंगोलिया 138 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। फ्री स्टाइल प्रतियोगिताओं में परविंदर सिंह ने 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण और नरेंद्र ने 71 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। बात करें यहाँ पर किर्गिस्तान की तो इसकी कैपिटल है बिश्केक, करेंसी किर्गिस्तानी सोम। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, किस राज्य का थेरी मरुस्थल आजकल चर्चा में है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो तो तमिलनाडु में थेरी रेगिस्तान हाल ही में चर्चा में था। उनके पास बहुत कम पानी और पोषक तत्व धारण क्षमता है। टीलों में एरोडायनामिक लिफ्ट है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तान है। इसमें लाल रेत के टीले हैं और यह थूथुकुड़ी जिले तक सीमित है। लाल टीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है। इसमें क्वार्टनरी युग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई की तलछट शामिल है और यह समुद्री निक्षेप से बने हैं। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मेरिन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है RN रवि, CM है MK स्टालिन। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की।
तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के इंडिया रीजनल ऑफिस के डीजी बने हैं डीजे पांड्यान। द इंडिया स्टोरी बुक बिमल जला ने लिखी है। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट से सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। 20th तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के स्टैचू को कर्नाटका में सेटअप किया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर बन गया है। इंडिया फॉरेन ट्रेड के लिए पीएम मोदी ने एक नया पोर्टल निर्यात लॉन्च किया। अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। इंडिया ने किर्गिस्तान में आयोजित 2021 अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली है और थेरी डेजर्ट तमिलनाडु में स्थित है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा राज्य बन गया है? दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन से हैं, इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।